वो रेगुलेटर आज कराची के अंदर उनकी बातचीत करवा रहा है। हमें उम्मीद है और अल्लाह से दुआ करते हैं, हुकूमत ने कराची इलेक्ट्रिक को उनकी उनकी कमिटमेंट से ज्यादा बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। उन्होंने खुद प्लांट्स लगाने थे, पिछले कई सालों में जो प्लांट्स नहीं लगे उसकी एक्स्ट्रा बिजली हुकूमत अपने नेशनल ग्रिड से उनको प्रोवाइड कर रही है। गैस की कमी की वजह से जो इस वक्त मसला आ रहा है, अल्लाह करेगा रेगुलेटर और वो बैठ के आपस में इसको हल कर लेंगे। मिस्टर स्पीकर, एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन मैं पूरी आवाम के सामने इस चीज को कैटेगोरिकली बयान करना चाहता हूं कि कैटेगरी वाइज बिजली चोरी की बुनियाद के ऊपर, गैर सियासी बुनियाद के ऊपर, गैर सूबाई बुनियाद के ऊपर, मेरिट की बेसिस के ऊपर बिजली की आउटेजेस हो रही हैं, दिसंबर से हो रही हैं। हमारा शेड्यूल चेंज नहीं हुआ। अगर बिजली की कमी आएगी, और मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्म कर रहा हूं, आज से हर रोज 6 बजे शाम को वजारत तवानाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और प्रेस रिलीज के जरिए बताया करेगी, जो आज वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, कोई देखना नहीं चाहता, पिछले 3 महीने से अवेलेबल है, हम उसको प्रेस रिलीज के जरिए करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अंदर जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ये खत्म हो, कि कितने फीडर हैं, कितने फीडरों के ऊपर शेड्यूल के मुताबिक हुई, कितने में फॉल्ट आई, कितने में मेंटेनेंस की वजह से हुआ, ताकि अवाम के सामने शीशे की तरह ये बात आया हो कि नून लीग की हुकूमत बिजली प्रोवाइड कर। इस वक्त लेस्को के 1130 फीडर जीरो लोड शेडिंग पे हैं, गेपको के 760 हैं, फेस्को के 1010 हैं, आईएसको के 752 हैं, मैपको के 785 हैं।